नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज के हमारे खास मेहमान फिल्मी स्क्रिप्ट राइटर श्रीमान संजय संजू जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रिवॉल्यूशन इंडिया का। संजू जी, यस, आप साइंस के स्टूडेंट रहे जी, और फिर आपके पास ढेरों ऑप्शन थी जीवन में। आप टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना प्रतिभा दिखा सकते थे। आपकी वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग की जो एक विधा है, उस विधा में कब आपको लगा कि मुझे इस विधा की तरफ ही जाना है, और वो यात्रा किस प्रकार से आपकी शुरू हुई? क्योंकि आपने अखाड़ा 1-2 ऐसी अनेकों, आपने OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे अनेकों आपने फिल्में आपने दर्शकों को दी, और जिस पर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया उन फिल्मों को, और मतलब लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। जी संजू जी, ये लगभग मेरे हिसाब से, जैसे आमतौर पर जो सब स्टूडेंट हैं या फिर मेरे एज के जो मेरे दोस्त हैं, तो एक भेड़ साल सी होती है कि नौकरी, सरकारी नौकरी, कोचिंग करनी है। तो मेरे अंदर वैसा कुछ नहीं था, मेरे को बहुत पहले से मैं क्लियर था इस चीज़ के लिए कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट और खुद की ही एक विधा डेवलप करके अपने अंदर, और मुझे फिल्म लाइन में ही जाना था और मुझे राइटिंग में ही जाना था। जी संजू जी, आपने बताया कि आपने एक सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक दृढ़ निश्चय किया, और फिल्म इंडस्ट्री में आप मुंबई भी अनेकों फिल्मों में आपने काम किया, अनेक लोगों को मंच मुहैया कराए, आप चंडीगढ़ बेस भी आप काम करते रहे। तो मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग विषय है क्या? किस प्रकार से एक स्क्रिप्ट राइटर, क्या उसका पहले से मन बना होता है कि मुझे इस विषय पर ही लिखना है, या वो समाज से देख के बनाता है, या वो समाज को प्रतिबिंबित करता है कि मुझे समाज में कुछ बदलाव करना है, उस तरीके से आप लिखते हैं? बेसिकली तो देखो, अलग अलग भाषाओं में काम करना, इसके तीन मेन हिस्से होते हैं। एक कहानी होती है, एक स्क्रीन प्ले होता है, और एक डायलॉग होते हैं जी। जो किसी भी आर्ट वर्क का, चाहे वो मान लो एक फिल्म है, उसकी कहानी, आप कहानी कोई भाषा नहीं होती जी, और स्क्रीन प्ले का भी कोई 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 खास तौर पर कोई भाषा नहीं है। तो डायलॉग से ये पता लगता है कि हमें ये हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, ये क्या है। ये पहला सवाल तो मेरा ये है कि आर्ट की कोई भाषा नहीं होती। हम कोरियन सिनेमा भी देखते हैं, हम हॉलीवुड भी देखते हैं, हम बाहर के पाकिस्तानी ड्रामा बहुत पॉपुलर हुए हैं अभी इस दौर में, तो खास तौर पर। तो आपका कंटेंट किस भाषा में है, इसको बेखौफ होकर के, जब से OTT और इंटरनेट का युग आया है, तो मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का हमारे ऊपर प्रतिबंध रह गया है कि आप भाषाई प्रतिबंध। तो आप हमें ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गए हैं मेरे हिसाब से। आपका कंटेंट यहाँ आपने डिलीवर किया, हो सकता है यही इंटरव्यू हम यहाँ कर रहे हैं, और ये कुछ ही मिनटों के बाद ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या पाकिस्तान या UK कहीं भी देखा जा सकता है। कहने की बात, जहाँ इंटरनेट है वहां पर ये देखा जा सकता है। जी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि राइटर, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो समाज को बदलने के लिए लिखता है, या वो समाज से देख कर अपने स्क्रिप्ट को लिखता है? देखिए, ये समाज को हम अपनी बात कहते हैं, जैसे आप अपनी बात कहते हो, जर्नलिस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। हम बदलने के फेर में नहीं होते। रही बात है समाज को देख करके लिखना या समाज को बदलने के लिए लिखना, तो हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन समाज से मिलती है। जो आमतौर पर बहुत ही सबने सुना है डायलॉग कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है जी। तो जो ऑलरेडी समाज में है, हमें, हम बस उसके अंदर मसाला लगा करके दिखाते हैं, और अपने पास से हम कुछ नहीं, हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है वो समाज से और आप सब हम लोगों के बीच से ही मिलती है कि ये कहानी हो सकती है जी। संजू जी, आपकी इस स्क्रिप्ट राइटिंग की जो जर्नी है, यात्रा है, अब तक कितनी आपने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, और उन लिखी हुई हर स्क्रिप्ट राइटर की हर लेखनी बहुत बेहतर से बेहतरीन होती है, तो लेकिन जो आपके दिल के करीब, जिस स्क्रिप्ट ने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज आप फिल्म इंडस्ट्रीज में एक संजू
और संजय सैनी के नाम से आप फेमस हैं, उस स्क्रिप्ट के बारे में बताइए दर्शकों। मैं वैसे तो मैं अपने आप को काफी ब्लेस्ड बोलता हूँ, क्योंकि हरियाणा, फिर हरियाणा के भी एक जींद जैसे शहर, क्योंकि कोई गाइडेंस और वो सब नहीं थी, तो घर से बाहर आ चंडीगढ़ से पास आउट हूँ मैं, तो खुद ही सारे रास्ते खुद ही अपने तय करने पड़े। और कि स्क्रिप्ट राइटिंग में जाने से पहले आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, वो आपकी कहानी को मजबूत करती है। चाहे मैं एक सब्जेक्ट नहीं कहूँगा कि आप साहित्य पढ़ते रहिए, तो साहित्य पढ़ते रहिए वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार साहित्य का रिप्लाई जब हमें देना पड़ता है तो वहां पर आपको विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या बात है, मनोविज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर कहां आप कैसा सीन लिख रहे हो उसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, भूगोल पढ़ना जरूरी हो जाता है जी। आप फैक्ट क्या बोल रहे हो, डायलॉग लिखते हुए क्या चीज बोली जा रही है, तो उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आप कहानी को एक दिलचस्प बनाने के लिए तो राजनीति पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे विषयों के बारे में आपका कहते हैं कि फिल्म लिखते हुए तो एक बेहतरीन वकील आपका दोस्त बहुत जरूरी होता है होना, और एक पुलिस वाला आपका दोस्त, क्योंकि सबसे ज्यादा कहानियां और ये जो चीजें हैं एक पुलिस वाले के पास और एक वकील के पास जी, सबसे ज्यादा कहानियां यहाँ होती हैं। उसके बाद आपको रास्ता मिल जाता है कि आपको किस कहानी पे काम करना है और किस व्यक्ति से मिलना है जी। जी, तो ये सब चीजें हैं सर, लिखने की जर्नी यहीं से शुरू होती है। और टचवुड, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, तो मेरे वकील भी दोस्त हैं और पुलिस वाले भी दोस्त हैं, तो उनके बीच से बैठ करके पढ़ने का शौकीन रहा हूँ। तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, BSc बायोटेक किया है, तो हमें थ्योरी पढ़ने की मोटी जो किताब दिखने में काफी मोटी होती है, मैं मोटी तो नहीं बोलूंगा किताबों को, लेकिन जो दिखने में तो उनकी आदत हो जाती है, तो फिर साथ के साथ नॉवल और आप साथ के साथ ये कर सकते हो। कोई भी बच्चा हो जिसको अपना क्लियर एक एम मालूम है कि अगर होता कि मुझे नौकरी लेनी है तो मैं वो भी ले चुका होता, मैं इस चीज के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हर किसी को होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करो, आप गारंटेड उसके प्रति आप समर्पित हो जाओगे तो आपको वो चीज मिलेगी। संजू जी, मैं और दर्शक जानना चाहते हैं, वो अखाड़ा मूवी जो आपने बनाई OTT प्लेटफॉर्म पे, खूब उसने सुर्खियां बटोरी, लोगों के दिलों तक पहुंची, उसके बारे में थोड़ा बताते चले दर्शकों को, क्या वो थीम थी जिस थीम को लेके चले और क्या वो प्रेरणा थी? थीम हरियाणा से हूँ और बस वर्ल्ड की स्पोर्ट्स कैपिटल कह सकता हूँ मैं, चाहे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड हो, हमारे रेसलर्स हो, कितने बड़े बड़े पंगे होते हैं रेसलर्स के, पूरा हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं एक छोटी सी बाइट के ऊपर, हमारे रेसलर्स हो, कबड्डी के प्लेयर हो, फुटबॉल हो, अब तो अदर एथलीट भी बहुत आगे तक, अभी निशानेबाजी के अंदर मनु नाम है, तो हाँ, तो काफी, तो मैं वहां से हूं तो सीधी सी बात है कि अब ब्लड में तो स्पोर्ट्स है जी, अब वो मैं ग्राउंड पे खेलूंगा, ख्वाबों में खेलूंगा या अपनी कलम से लिखूंगा, वो हम सबके ऊपर निर्भर करता है, कोई खेलते हैं, कोई देखते हैं, फैन भी होते हैं जी, तो बस मैंने वो लिख दिया जी। और अखाड़ा थी, अखाड़ा के अंदर एक सबसे कम खर्चीला खेल है और जिसके अंदर गरीब इंसान भी दिल खोल करके अपना जोर और वो सब लगा सकता है, लेकिन अगर फिर भी हालत इतनी खराब है कि खाने तक की किल्लत है और उसके बावजूद मेरे किरदार का, करण का जो हौसला है वो उसके बावजूद कुश्ती लड़ने का है और देश के लिए मेडल लेके आने का है, तो उसको फिर आगे की राजनीति जो है, खेलों की जो राजनीति है वो हम सब जानते हैं, कोई भी छूता नहीं है उस विषय से, तो उसको कैसे दबाया जाता है और उसी कहानी को एक फिक्सनाइज करके, एक उसी कहानी को पिक्चराइज, हाँ, काबू करने की कोशिश की है कि कम शब्दों में ज्यादा मेरी बात लोगों तक पहुंचे, तो लोगों ने रिलेट किया अपने से, बहुत सारे फोन कॉल आए, बहुत मुझे भी बहुत प्यार मिला उससे, मुझे एक अलग पहचान मिली शायद, और मैं काफी अच्छा रहा मेरा कि मैंने हरियाणा में आकर के किया ये, वरना पहले मैं पंजाब की फिल्में कर चुका था, तो मैं आया तो बहुत लिमिटेड सा बजट था, लेकिन लोगों में हौसला था, प्यार था, और हौसले से चीजें हो जाती हैं, फिर आपका पैसा
और आपका समय और वो सब मायने नहीं रखती, फिर मेहनत करते हुए मजा आता है। सबसे जरूरी होता है कि आपके ऊपर बिलीव, तो मेरे ऊपर भरोसा किया, चाहे मेरे एक्टर थे, मेरा बाकी का क्रू था, चाहे मेरा ओटीटी था स्टेज, उसने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया और हमने कर दिखाया, आप जैसे साथियों ने हमारा साथ दिया लोगों तक पहुंचने में। संजू जी, फिल्म इंडस्ट्रीज एक ऐसा महासागर है, समुंदर है, वहाँ बड़े बड़े लोग उस समुंदर में छुप से जाते हैं, वहाँ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जब सफलता नहीं मिलती। आपने इतने बड़े रिस्क के खेल में आपने किस प्रकार का एक स्टेप लिया कि भाई जहाँ सफलता की गारंटी बहुत कम है, मतलब 1% से भी कम है, और आपने उस विषय को चुना कि मुझे स्क्रिप्ट राइटर लिख के, और आप उस स्क्रिप्ट राइटिंग में डायरेक्टर को भी एक काम मिलता है, उसके साथ उसकी जो टीम है 100-150 लोगों को, उनको भी काम मिलता है, तो एक किस प्रकार का जुनून था और भविष्य की क्या प्लानिंग है संजू की कि वो क्या और दर्शकों के लिए लेके आ रहे? आप जब किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए उस चीज का, आप शांति से मेहनत कीजिए उसके लिए। उतावलापन मारता है कि कोई भी छोटा दंगल जीत लो तो आप चैलेंज करने लगते हो इंटरनेशनल ग्राउंड को और उन सबको। पहले आप देखिए, पहले आप ग्राउंड प्रैक्टिस कीजिए, नेट प्रैक्टिस कीजिए, आप पहले आपका आप अपना गोल सेट करके उसके लिए शांति से मेहनत करो, और हार और जीत लगी रहती है, ये मत सोचो कि आप पूरी दुनिया की आप स्पॉटलाइट पे आप ही हो। थोड़ा सा फ्री करके जीवो अपने आप को कि भाई सुख आएगा ये भी मुझे यही वो करना है, दुख आएगा यही वो करना है। तो मेरा मानना, मैं दुखी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता सर, और खुश में बहुत ज्यादा मैं मतलब टीज नहीं करता, और मैं बहुत ज्यादा उस चीज का ठीक है कि हाँ कोई जरिया होते हैं सब लोग, मैं जरिया था शायद, ये कहानी मेरे से कही जानी थी तो मैंने कह दी, ठीक है, वो लोगों ने को अच्छा लगा मैं, और जब वो अच्छा लगता है लोगों को तो आप फिर और ज्यादा मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई है। तो मैं इन्हीं चीजों को ध्यान रखता हूँ सर, बाकी ना तो कभी मेरे सिर ज्यादा सफलता रही और ना कभी असफलता रही, मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ इन चीजों को। संजू जी, आपकी इस जर्नी में स्क्रिप्ट राइटिंग की जो जर्नी है उसमें आपको किन को आप अपना गुरु मानते हैं, जिनकी वजह से आप इस लाइन में चले और आज उस यात्रा को आप बहुत अच्छे से आप उसका इंजॉय कर रहे हैं? देखिए, गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, और रमेश मूर्ति जी हैं जो मुझे मेरे जीन से ही है, रमेश मूर्ति भनवाला जी, और मैंने उनसे सिर्फ लिखना तो मैंने, हम दूसरी तीसरी क्लास में हम लिखना सीख जाते हैं, और छठी का पांचवी या छठी क्लास तक हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं। तो लिखना कहने का गुरु मैं लिखने तक नहीं सीमित रखूंगा, कुछ जीवन में के लिए सीखा है, अपने लिए सीखा है जीवन में।